नई चीजें खरीद के अच्छा लगता है ना? प्रॉब्लम है कि हर साल हम ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इस सिक्के का एक और पहलू है जो आपको कोई दिखाना नहीं चाहता। मैं एक जमाने में एडिडास ब्रांड का प्रेसिडेंट था। मैं एप्पल में था। मैंने 15 साल अमेज़न में काम किया है। आपको फंसाया जा रहा है और इसमें एक साइंस है। वो आपको जानते हैं, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। हम लगातार आपसे ज्यादा शॉपिंग करवाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। हम लोगों के बर्ताव को इस तरह बदलते थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता था, और आपसे सच्चाई छिपाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जरा ये बैग देखो, वो वही करती है जो मार्केटिंग वाले लोग कहते हैं, यानी एक तरफ आपको खूबसूरत चीज दिखाएंगे ताकि आपका ध्यान बाकी गलत चीजों की ओर ना जाए। जो चीजें बिकती नहीं उनके साथ वो लोग ये करते हैं। अमेज़न के लोग लैंडफिल्स में खिलौने गाड़ते थे। आपको मन में कहीं ना कहीं लगता है कि क्या हमें ये सब करना चाहिए, लेकिन बिजनेस को बचाने का मकसद आपके मन की उस धीमी आवाज को दबा देता है। ये चीजें सिर्फ कचरा नहीं है, ये खाने पीने में मिक्स होती है और ये जहरीली है। तो मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं बता नहीं सकता। वो काम करके मुझे और मेरी फैमिली को एक आलीशान जिंदगी मिल रही थी, पर हमें ये भी सोचना पड़ता है कि एक इंसान होने के नाते हमारे लिए लाइफ में कौन सी बातें जरूरी हैं। हर कोई इस बात पर यकीन करना चाहता है कि वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो बुरी नहीं है। हम तय कर सकते हैं कि हम इस तरह नहीं जीना चाहते और एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। ये जिम्मेदारी कंज्यूमर पर मत डालो, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये तुम्हारी है। जिंदगी में हम जिन लोगों के साथ हैं उनके साथ हमारे एक्सपीरियंसेस जरूरी हैं। सामान जिंदगी के लिए जरूरी है, ज्यादा सामान का मतलब ज्यादा खुशी नहीं है।